तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों जो आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो कि पाकिस्तान पब्लिक बोल रही है ऑस्ट्रेलिया वालों का नंबर वन बैटिंग, इंडिया वालों ने अफगानिस्तान वालों ने तो जूतियां मारी हैं। तो चलिए आपको दिखाने वाले इस वीडियो में है कि वहाँ की पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो मैच को लेकर क्या बोल रही है, और जो टीम हार चुकी उसको लेकर क्या बोल रही है, और इंडिया के बारे में क्या बोल रही है। तो आप बने रहे अंत तक, फिर आपको दिखाने इस वीडियो में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन क्या बैटिंग? मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं। आखिर मजा आ गया। मैक्सवेल जो तेरे साथ हुई है ना, बड़ा तू बना था अफगानिस्तान को, तूने 200 कुछ स्कोर से डाया था, कैसा उन्होंने अंदर दिया, मजा आ गया। आखिर मैं कहता हूँ आखिर मजा, मैम मेरे से बात अल्फाज ही नहीं है मेरे बात करने के लिए कि इन्होंने कर क्या दिया उनके साथ। बहुत मजा का तो चाहिए था जब ये लोग अफगानिस्तान से हारे थे, इनको तो वहां पे बोरिया बसरा पैक करके वापस चले। कहाँ पे गया ट्रेविस हेड, कहाँ गया मैक्सवेल? रूर का सर नीचा। देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम अपने आप को ये समझती थी कि जी हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, या क्रिकेट की तारीख में हमसे अच्छे प्लेयर्स कभी कोई नहीं आ सके। हर टीम के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है। इवन हमारे पाकिस्तान के काफी बॉलर्स के साथ जो बैन लगे हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हाथ है। इंडिया को हरा कर ऑस्ट्रेलिया का गरूर पाश पाश कर दिया है, और इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से। पहले ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने छठी का दूध याद कराया, और आज जो है इंडिया ने अच्छी खासी धुलाई की है ऑस्ट्रेलिया की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरमगान मौजूद है। अरमगान क्या कहेंगे, आज इंडिया ने अपनी 6/6 की स्ट्रीक बरकरार रखी, पहले आयरलैंड, फिर USA, फिर बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान, एक के बाद एक टीम को हरा कर आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भी पत्ता साफ कर दिया है। मैं कहता हूँ मैम मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कर क्या दिया। मतलब कि 6 के 6 मैच उन्होंने कोई एक मैच नहीं आ रहे, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में कोई एक मैच नहीं आ रहे थे, एंड पे जाके ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गए थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कर दिया ना, मैं कहता हूँ खीर कर दिया, मज़ा आ गया। कोई मतलब कि मैडम मैं सोच ही नहीं सकता कि यार उन्होंने 6 के 6 मैच कोई एक मैच भी उन्होंने मिस नहीं किया, मतलब कोई एक मैच नहीं आ रहे, इतने वो स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि विराट कोहली इस दफ़ा इतना नहीं चला, वो ना उससे कोई सेंचुरी हो पाई ना कोई इतना हो पाया, लेकिन यार मैं कहता हूँ खीर मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला काम हो गया। मैम बहुत मज़ा आया देख के, पूरा T20 ने इंजॉय करा दिया इंडिया ने। मैं कहता हूँ आई लव यू यार इंडिया टीम वालों, तुम लोग ब्रांड बन चुके हो। हम लोग पाकिस्तानी हैं, मैं नहीं कोई और मेरे साथ हमसाए मेरे दोस्त वगैरह पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मैं पाकिस्तानी टीम पर लानत भेजता हूँ क्योंकि ये है ही लानत के काबिल। ये लोग ना कुछ कर सकते हैं और ना इन्होंने कुछ करना है। इंडिया वाले जो है ना वो मैं कहता हूँ आखिर मतलब यार एक ब्रांड बन चुके हुए हैं कि 6 के 6 मैच को एक तो हार जाते यार। ये आज का मैच जो था वो बड़ा तगड़ा समझा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, और चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा सकता है, लेकिन इंडिया जिस जज्बे के साथ जिस पैशन के साथ ग्राउंड में उतरा, आज उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 2023 का बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। वही मैडम आपने मेरे मुंह की बात कर दिया कि इंडिया ने बदला लेना ही लेना था, वो कभी छोड़ने वाला मुल्क नहीं है, और खास तौर पे स्पोर्ट्स में क्या अदरवाइज भी जो उनके मामला आते हैं वो किसी में पीछे नहीं रह रहे, सबसे टॉप पे निकलते जा रहे हैं। वो एक उनकी इकोनमी इतनी कोई ब्रांड बनती जा रही है कि हम पाकिस्तानी रोटी को तरस रहे हैं और वो लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मतलब ये बातें तो होगी ना साइड पे, काम करते हैं स्पोर्ट्स की बात, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना ही लेना था उन्होंने। मैडम मैं कहता हूँ खीर मजा आ गया, आई लव यू इंडिया टीम वालों। अफगानिस्तान वालों ने आपने देखा कि क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर वन बैटिंग? मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं, आखिर मजा आ गया। मैक्सवेल जो तेरे साथ हुई है ना, बड़ा तू बना था अफगानिस्तान को, तूने 200 कुछ स्कोर से डाया था, कैसा उन्होंने अंदर दिया, मजा आ गया। आखिर मैं कहता हूँ आखिर मजा, मैम मेरे से बात अल्फाज ही नहीं है मेरे बात करने के लिए कि इन्होंने कर क्या दिया उनके साथ, बहुत मजा आया। कि जी गरूर का सर नीचा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह ट्रॉफी को अपने पैरों के नीचे रखा था, इसी तरह आज इंडिया ने और फिर उससे पहले जो अफगानिस्तान ने इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम लोगों की क्या औकात है। वही ना मैम, ये तो सिर्फ एक ट्रॉफियां लेके खुश हो रहे हैं, उन्होंने असल बताया इनको कि आओ मैदान में इस तरह आते हैं। वो तो सिर्फ कुछ क्या कहते हैं, इंडिया वालों ने कहा था कि यार हमारे मुल्क में आए हैं ये लोग खेलने, उन्होंने जाने दिया फाइनल, नहीं तो इनकी ये भी औकात नहीं थी कि वो फाइनल जीत जाते। और अफगानिस्तान ने भी अपना बदला लिया, ये मुझे याद आ गया कि जो इन्हें मैक्सवेल ने उनके साथ किया था ना, आज उन्होंने भी वही कर साबित दिया है कि हम लोग भी तुम्हारे बाप हैं, खाली तुम लोग ब्रांड नहीं, हम तुमसे डबल ब्रांड है। मजा आ गया मैम ये मैच देख। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को छठी का दूध याद दिला दिया, नहीं और प्राइमरी का दूध याद दिलवाया है। आप ये देखे कि इंडिया का मैच की आप बात छोड़े, ऑस्ट्रेलिया का तो चाहिए था जब ये लोग अफगानिस्तान से हारे थे, इनको तो वहां पे बोरिया बसरा पैक करके वापस चले। कहाँ पे गया ट्रेविस हेड, कहाँ गया मैक्सवेल?
मैं मिचेल मार्श को बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि एक वो ताजा ताजा कैप्टन बना था और वो वर्ल्ड कप में इंडिया को फेस उसे कर लिया, उसको क्या पता था कि पीछे पैड क्यूमिंस इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और ओडीआई वर्ल्ड कप का जख्म दिया हुआ है। सबसे बड़ी गलती ये है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की कि इन लोगों ने मिचेल मार्श को कैप्टनसी क्यों दी, पैड क्यूमिंस को देते तो फिर ज्यादा मजा आता बदले की आग बुझाने का, क्योंकि इंडिया ने बदला लेना था पैड क्यूमिंस का, जिसने इस तरह आगे बैठ के टेबल पर बैठ के कहा था कि हमें 1.5 लाख की वहां को चुप करवाना आता है। और भाई चलो इंडिया थी, उन लोगों ने आपको अपने घर में बुला के जलील नहीं करवाना था। हाँ। ना आपका घर था ना इंडिया का घर था, घर किसका था? किसी और का, वेस्ट इंडीज का था आई गेस, या यूएसए का, मुझे स्टेडियम इतना वेन्यू याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है वो ग्राउंड के अंदर हिस्ट्री लिखी गई है इस तरह बिल बोर्ड के ऊपर ना, जैसे ये दरवाजा ना यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई यही ग्राउंड था जहाँ पे नंगा नाच करवाया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का, नंगा मैं कहता ना भाग के मरवाया। मुझे पहले डर था ट्रेविस हेड कुछ ना कुछ करेगा, वार्नर करेगा, उसके बाद क्या कहते हैं मैक्सवेल करेगा, मार्कस स्टोनिस कुछ करेगा, और यार कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक बुमराह है सामने। बुमराह रोता रहा है कि भाई मुझे वर्ल्ड कप के अंदर एक विकेट दे दो ताकि मेरा फ्लो बन जाए, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा था वर्ल्ड कप के अंदर कि भाई नहीं विकेट देंगे। लेकिन इस बार ओए होए 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 क्या कर दिया यार। अब मैंने पहले से प्रिडिक्शन की थी कि अगर 24 जून को फाइनल से पहले का फाइनल है, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत गया तो इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से। अगर यार अगर मगर क्या पीछे बात ही क्या रहती है। अब लगता है ऑस्ट्रेलिया का मोराल वहीं पर ही डाउन हो गया था जब अफगानिस्तान ने उनको हराया। ओ भाई मोराल वहां का कोई डन डून कुछ भी नहीं था, आप जाके जश्न मनाएं क्योंकि इंडिया जीत गई है वर्ल्ड कप, आप लोग जाके जश्न मनाएं। मेरे पाकिस्तान के तो इंडिया की शर्ट नहीं मिल रही, इसलिए मैं अर्जेंटीना की ब्लू व्हाइट शर्ट पहनकर घूम रहा हूँ, नहीं तो मैं इंडिया की शर्ट पहनकर यहाँ पे पूरे धरल्ले से घूमता कि भाई चलो पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, हमारे हमसायों ने तो कुछ कर लिया ना। यार देखे इंडिया और अफगानिस्तान भाई हैं, उन लोगों ने यूनिटी बनाई हुई है और वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले दुश्मनी रखी हुई है और दर बदर ठोकरे खा के वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है। यार हमारी टीम से तो 100 गुना अच्छा बांग्लादेश है। मैं अफगानिस्तान के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं, अफगानिस्तान टीम इज वे मच बेटर देन टीम पाकिस्तान। अगर रही बात इंडिया की, यार हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, सिराज, बुमराह, कुलदीप, जतेजा, अर्षद पटेल, शिवम दुबे, हर प्लेयर को भाई अप्रिशिएट मैं करूंगा क्योंकि हर प्लेयर ने बेशक मिनिमम स्कोर किया लेकिन हर टीम ने अपनी एफर्ट मैक्सिमम दी है। ये होता है टीम वर्क, ये होता है टीम स्पिरिट, ये होता है टीम इंडिया के मेजर प्लेयर्स। यार मजा आया है, मुझे यकीन करें कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या कभी कोई सोचता था ये टीम जो है अफगानिस्तान से हारेगी इंडिया के साथ? हम लोग बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मैच जैसे देख रहा था, नवीन उल हक ने क्या आउट क्लास इन स्विंगर मार के ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट किया था, मैं तो हैरान था यार ये नवीन को हो क्या गया है। उसके बाद मैं ये हैरान कि टीम इंडिया का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता था कि यार ये लोग जीतेंगे, टीम इंडिया वन साइडेड करके ना जीते लेकिन जीतेगी जरूर और रिजल्ट आपके सामने है। और यार आप इतना देखें, इंडिया जितने जख्म से गुजरा है ना, जितने 20 जख्म हैं मेरे दिल में सब ऑस्ट्रेलिया के लगाए हुए हैं, मेरे भी, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया ने कान से नहीं बाहर किया था तो बदला ले लिया ना 2023 का भी, अगला पिछला भी नहीं लिया इंडिया ने, खाली अपना बदला नहीं लिया इंडिया ने, न्यूजीलैंड का भी बदला लिया है और उसके बाद स्पेशली पाकिस्तान का भी बदला लिया 2021 के T20 वर्ल्ड कप का, जो हमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेमीफाइनल से बाहर किया था ना। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले तुम लोग क्या सोच के यार एशियन रीजन के साथ पंगा लिया था, अब पंगा लिया तो भुगतो। याद है 2023 की ट्रॉफी किस तरह इन्होंने पैरों के नीचे रखी थी? अब वो तो घरूर है ना पैड क्यू। यार मैं आपको इतना बताऊं, मिचेल मार्श कैप्टन था तो हार गई है, अगर होता पैड क्यूमंस, मैं अभी भी कह रहा था अगर पैड क्यूमंस कैप्टन होता ना तो इंडिया ने नहीं जीतना था, क्योंकि जो कैप्टनसी आपका पैड क्यूमंस चलाता है ना वो कोई भी नहीं चला सकता, ये पूरी दुनिया के सामने से प्रूव करके बताया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी और ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी। नो डाउट आप जिस मर्जी से पूछ लें हु इज द बेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री, चार ऑप्शन आप किसी के सामने भी रख देंगे ना, बाबर आजम हो गया, रोहित शर्मा हो गया, धोनी हो गया या पैट क्यूमंस हो गया, एवरीवन विल गो फॉर पैट क्यूमंस क्योंकि पैट क्यूमंस बहुत अच्छा बॉलर है, बेशक ऑस्ट्रेलिया हार गया बहुत अच्छा बॉलर भी है और बहुत अच्छा कैप्टन भी है, लेकिन हार्ड लक टू पैट क्यूमंस एंड टीम ऑस्ट्रेलिया, इस बार इंडिया बाजी मार गया, अगली बार आप लोग अपना सोच के समझ के आना। अब इंडिया को वर्ल्ड कप ले जाने से कोई टीम नहीं रोक सकती, डेफिनेटली इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, इट्स अनप्रेडिक्टेबल थिंग के इंडिया को कोई हराएगा कोई है ही नहीं। कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो टीम
ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तारीख रकम कर दी है। पहले अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है। देखिए जी, सीधी सी बात है, मैं इस बात से बात शुरू करूंगा कि गुरूर का सर नीचा। देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम अपने आप को ये समझती थी कि जी हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, या क्रिकेट की तारीख में हमसे अच्छे प्लेयर्स कभी कोई नहीं आ सके। हर टीम के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, इवन हमारे पाकिस्तान के काफ़ी बॉलर्स के साथ जो बैन लगे हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हाथ है। तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था कि जिस तरीके से ट्रॉफी की बेहरमती कर रहे हैं, उसके बाद पैट कमिंस जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। तो एटलीस्ट एट दी एंड आप आखिर पे इंसान ही हैं और सीखी आपने इंसान से ही है, ये आपको पैदा होते हुए सीख के नहीं आए। तो एक ना एक दिन ये चीज़ होनी थी। गुरूर का सर नीचा और इंडिया ने तो बदला लिया अपना, लाजमी सी बात है, और इंडिया का बदला लेना बनता था। अफगानिस्तान ने अपना बदला लिया और जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है, मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में कोई भी अच्छी टीम उनसे बच्चों की तरह खेल सकेगी। इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, तो बड़े बड़े नाम थे, कहाँ गए वो सारे? इंडिया इस टाइम जी हर तीनों फॉर्मेट्स जो है उनकी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों के अंदर ही छाया हुआ है। बैटिंग लाइन तो वैसे ही इंडिया के पास शुरू से बहुत लंबी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी किसी से कम नहीं था। लेकिन इन दोनों मैचों में आप चाहे वो अफगानिस्तान वाला मैच देख लें, इंडिया वाला मैच देख लें, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। मेरा ख्याल है प्रेशर में आ गए थे शायद अफगानिस्तान से हारने के बाद, इसलिए इंडिया के साथ वो अच्छे से कंपटीशन नहीं कर सके, अच्छा मुकाबला नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेशर तो लाजमी सी बात है होता है, क्योंकि अफगानिस्तान कोई इतनी पुरानी टीम है नहीं या इतनी बड़ी टीम है नहीं कि जिसको ना खेला जा सके। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर उसने मैक्सवेल ने जिस तरीके से धोया था अफगानिस्तान को, तो मेरा तो ख्याल था कि शायद ये इनिंग्स पूरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं खेली जा सकती, लेकिन अफगानिस्तान ने इस चीज़ को साबित किया है कि उन्होंने कमबैक किया है। उनके बॉलर्स देख लें आप, कितनी उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बॉलिंग स्ट्रेटजीज देख लें कि बिल्कुल टोटली चेंज है और बिल्कुल बेबस पाया गया ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीमों के सामने बेबस पाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अगर हम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें, ये तो बिल्कुल कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाना, अफगानिस्तान तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऐसे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा कर गया। आई वॉज शॉक भाई, हम लोग तो मैच देखते ही रह गए कि भाई हुआ क्या है, बनी क्या है, अफगानिस्तान ने किस तरह धोया ऑस्ट्रेलिया को। आप ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में अफगानिस्तान की बैटिंग देखे, अफगानिस्तान की बॉलिंग देखे, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। ऑस्ट्रेलिया ये कभी सोच भी नहीं सकता था वो एज ए इजी इस मैच को लेकर चले हैं। जब स्टार्ट हुआ मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, तो असल में इनके आप पहले बयान सुने ना, उनके बयान क्या है कि ये बच्चों वाले टूर्नामेंट्स हैं, बच्चों वाले टूर्नामेंट्स हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये पैट कमिंस साहब के बयान है, लेकिन वो बयान उनके उनको ले डूबे हैं। अब बच्चों की तरह रो रहे हैं ना, इंडिया ने अफगानिस्तान ने बच्चों की तरह रोने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं इसमें कि ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल कमजोर टीम की तरह इस टूर्नामेंट में शामिल हुआ है, जबकि इस टूर्नामेंट की छोटी तरीन टीमें, अफगानिस्तान एक छोटी टीम गिना जाता है क्योंकि हम लोग उनको टेस्ट कैप देने वाले हैं, हम लोग ये समझते हैं यार एक छोटी टीम है। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मैच के बाद कहता हूँ कि अफगानिस्तान आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तारीख रकम करेगा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें खत्म। अब मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप तो इंडिया का ही है। देखिए जी, बिल्कुल असल में मैं खुद क्रिकेटर हूँ, लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं तो यही दुआ करूँगा कि इंडिया ना लेकर जाए। अगर इंडिया को सपोर्ट करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को ये वर्ल्ड कप लेकर जाना चाहिए एज ए मुस्लिम। क्या खारबाजी है, इंडिया अच्छा खेल रहा है, T20 की नंबर वन टीम है, और मेरा ख्याल है जो अच्छा खेलेगा वर्ल्ड कप उसको ले जाना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, खेल को इसमें नहीं लाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर एज ए ऑडियंस मैं देखूँ तो वाकई इंडिया से अच्छी टीम इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एज ए प्लेयर अगर देखूँ तो लाजमी सी बात है प्लेयर्स के अंदर एक एग्रेशन होती है अपोजिट टीम के लिए। तो बचपन से जब से क्रिकेट खेलते हैं या देखते आए हैं, इंडिया हमेशा हमारे खिलाफ रहा है। और मैं तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताना। तब तक के मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।